हम बिहार के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, चाहे हमें कितनी शहादत देनी पड़े, लाठियां खानी पड़े, माथा खोना पड़े, लेकिन हम बिहार के युवाओं को, बिहार के शिक्षकों को कहना चाहते हैं, हम आपके लिए हर चीज करने को तैयार है। अरे तलाश बने हुए हैं, आतंकवादी वहां पे मार कर रहे हैं, नीतीश के गुंडे आतंकवादी वहां पे मार कर रही है। इसी हालत में आम जनता इसको देख रही है, ये गुंडा का सिग्नल है, अपराधी जैसा जनता पर भी लाठी चलाया, बीजेपी वर्कर पर भी चलाया, पत्रकार पर भी चलाया, कई एमपी एमएलए पर भी चलाया। तो ये लोकतंत्र को लाठी गोली के बदौलत नहीं रोका जा सकता, कहीं नहीं। तलाश बने हुए हैं, क्या हो रहा है, आतंकवादी नीतीश कुमार हो गया है, जाने वाला नहीं है, बल पर शासन चलाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले इनको गोली से नहीं है, ये गोली चलावे लाठी चलावे हम लोग इसे डरने वाले नहीं है। ये दमनकारी सरकार है, लेकिन यही दमन इनको ले डूबेगा, यही दमन इनको ले डूबेगा। नीतीश कुमार तानाशाह हो गए, नीतीश कुमार लोकतंत्र को भूल गए हैं, लेकिन याद रखें यही दमन उनके लिए पार होगा और उनको ले डूबेगा। कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है, उन पर भी आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं, महिलाओं को पीटा गया, प्रेस के लोगों को पीटा गया, हम लोगों को पीटा गया, हमारे कई नेता घायल है, हमारे कई कार्यकर्ता घायल है, हमको आगे यहाँ से डाकुआ चौराहे से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। निर्दोष दुकानदार क्या करेंगे, यही पर बैठेंगे, यही धरना देंगे, नहीं हम कई लोगों का सर पता कई अभी हम लोग शांतिपूर्वक जाके बैरिकेड के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पे मारा है, माथे पे मारा है, पीठ पे मारा, यो सभी पे